जो हमारे एग्ज़ाम में हैं, TGT PGT या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, DSSB या NBS KBS, तो उसमें मोस्टली पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ मैच या नंबर ऑफ़ राउंड या फर्स्ट राउंड में कितने मैच होंगे। इन सारी चीज़ों को हमको विशेष गौर से देखना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ़ टीम हमारी 7 है, नंबर ऑफ़ टीम हमारी 7 है, तो किस प्रकार ड्राफ्ट पिक्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम टीमों को लिख लेंगे, क्या कर रहे हैं, टीमों को राउट डाउन कर लेंगे। आपकी टीमें कितनी हैं, 7 हैं, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 टीमों को राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद करते क्या हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा है टूर्नामेंट नॉकआउट का, जो टीम विभाजन का है। क्या है, टीम विभाजन की टीमें 7 हैं तो अपर हाफ में कितनी होंगी और लोअर हाफ में कितनी होंगी, तो उसके लिए है डिवीजन ऑफ टीम। टीम का विभाजन आपका है डिवीजन ऑफ टीम, टीम का विभाजन करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है। तो देखना कंडीशन ये है कि बांटते समय हमें ये देखना है कि टीमों की संख्या इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है। यदि टीमों की संख्या आपकी ऑड नंबर में है, विषम नंबर में है, तो उसके लिए फार्मूला होगा, अपर हाफ के लिए होगा, अपर हाफ UH मतलब अपर हाफ, उसके लिए है n+1/2। तो यहाँ पर जो n है, n रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ टीम, जो n है वो आपको नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की जगह हम कर रख देंगे आपका 7 रख देंगे, और प्लस 1 करके आपका कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका अपान 2 में था, n+1/2। ये जो फार्मूला है अपर हाफ के लिए है n+1/2, ठीक है। तो आपका n क्या है, टीम है, तो 7 हम रख दिया, प्लस 1 आप रख दिया, अपान 2 रख दिया, तो 8/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो चार टीमें आपकी किस में रहेंगी, अपर हाफ में रहेंगी, चार टीमें आपकी कहाँ रहेंगी, अपर हाफ में रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब लोअर हाफ की बात कर रहा है, LH मतलब लोअर हाफ है, तो उसके लिए फार्मूला है n-1/2, n क्या है, नंबर ऑफ टीम है, -1/2, तो आपके n की जगह क्या रख देंगे हम, 7 रख देंगे, -1/2, तो 7 में से गया 6, 6/2, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टीम आपकी लोअर हाफ में हो जाएंगी, 3 टीम आपकी लोअर हाफ में होगी और 4 टीम अपर हाफ में होगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे पहले मान लो क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम कितनी है, और हैं तो आपकी इवन नंबर में है मतलब सम संख्या में है कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में है। तो अगर सम में है तो फार्मूला चेंज रहेगा, n/2 हो जाएगा, अगर विषम में है तो अपर हाफ के लिए होगा n+1/2 और लोअर हाफ के लिए होगा n-1/2। तो इस तरह आपने डिवाइड कर लिया कि चार टीम हमारी अपर हाफ में होंगी और 3 टीमें हमारी लोअर हाफ में होंगी। तो आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो 1 2 3 4 ये आपकी अपर हाफ में होंगी, किस में होंगी, अपर हाफ में चार टीम हो गई, और ये आपकी लोअर हाफ में आपकी आपकी अपर हाफ में 4 हैं और लोअर हाफ में 3 हैं, 1 2 3। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने देखा कि टीम तो डिवाइड कर लिया, अब देखना है कि नंबर ऑफ टीम 7 है तो हाउ मेनी वाई गिवन, कितनी बाई दी जाएगी, नंबर ऑफ बाई, अगर टीमों की संख्या आपकी ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है तो उस किस हिसाब से हम बाई को देंगे। तो बाई के लिए एक फार्मूला है, अगर अगर आपकी टीमों की संख्या पावर ऑफ टू में है तो बाई नहीं दी जाएगी, बाई नहीं दी जाएगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि 2 की पावर 1 रखेंगे, जैसे 2 की पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि 2 की पावर में तो नहीं है, पहली कंडीशन में देखनी है कि अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, इस तरह अगर हमारी टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है तो बाई नहीं दी जाएगी, कोई बाई नहीं दी जाएगी, बाई क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं है तो बाई दी जाएगी, तो बाई दी जाएगी, तो हमारी टीम है जो 7 है ये पावर ऑफ 2 में नहीं है, तो यहाँ बाई
दी जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ बाई निकालने के लिए, बाई निकालने के लिए फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ टू, नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन टीम जो है उसका अगला पावर क्या है, जो हमारी टीम है उसका अगला पावर क्या है। तो टीम हमारी सात है, सात का अगला पावर क्या होगा हमारा, क्या होगा आठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा। सात के जो पावर है अगला पावर है वो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, अब यहाँ फार्मूला हो जाएगा कि आपकी क्या हो जाएगी, सो आपका मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, तो जो टीम का जो अगला पावर है वो आपका क्या है सेवन है, एट है, तो आपका एट माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका एट माइनस वन आ जाएगा, एट माइनस सेवन हो जाएगा, एट माइनस सेवन बराबर वन। अगला पावर माइनस टीम की संख्या, टीम का अगला पावर माइनस टीम संख्या, तो टीम का जो अगला पावर है वो आपका कितना है एट है, आपका एट माइनस सेवन आठ में से सात घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा नंबर वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक बाय दी जाएगी, आठ टीमें हैं तो कितनी बाय दी जाएगी एक बाय दी जाएगी। अब बात करता है कि बाई आई है, अगर अब ये भी कंडीशन देखना है कि यदि बाई हमारी, इफ़ यदि बाई हमारी आपकी ऑड नंबर में आती है, ऑड नंबर में आएगी तो फार्मूला दूसरा रहेगा, इवन नंबर में आएगी तो फार्मूला दूसरा रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी टीम आई है वो आपकी ऑड नंबर में है, क्या है ऑड नंबर में है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है अपर हाफ के लिए, आपके नंबर ऑफ बाई कितना है वन है, तो आपका लग जाएगा आपका नंबर बाई, नंबर ऑफ बाई कितना है वन है, तो वन माइनस वन अपान टू तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एक में जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ऊपर कोई बाई नहीं दी जाएगी, अपर हाफ में कोई बाई नहीं दी जाएगी। अब लोअर हाफ में देखिए आपका नंबर ऑफ बाई कितना है वन है, नंबर ऑफ बाई कितना है वन आया था, तो लोअर हाफ में कितना होगा, तो उसके लिए है एन बी, एन बी प्लस वन अपान टू है, तो एन बी कितना है एक है, तो एक एक प्लस एक बटे दो, तो दो बटे दो हो जाएगा एक बाय दी जाएगी, कितनी बाय दी जाएगी एक बी, एक बाय दी जाएगी। लोअर हाफ में कितनी रहेगी हमारी वन बाय रहेगी, क्या रहेगी वन बाय रहेगी, अपर हाफ में क्या रहेगी जीरो बाय रहेगी, ठीक है। हमें ये देखना है पहले, सबसे पहले दिमागी कि नंबर ऑफ बाई कितना आया है, नंबर ऑफ बाई आने के बाद देखना कि सम में है, इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में। यदि आपकी बाई इवन नंबर में आती है, इवन नंबर में आती है तो फार्मूला होगा एन बी बाई टू, इवन नंबर में मतलब सम संख्या में आएगी तो एन बी बाई टू, मतलब जितनी बाई हैं उससे आपका दो से डिवाइड कर देंगे, तो आधी बाई ऊपर हो जाएगी अपर हाफ में, आधी बाई लोअर हाफ में जाएगी। यदि बाई आपकी ऑड नंबर में आई है, विषम संख्या में आई है, तो उसके लिए फार्मूला है अपर हाफ के लिए, अपर हाफ के लिए है एन बी, एन बी माइनस वन अपान टू, और लोअर हाफ के लिए है एन बी प्लस वन अपान टू। तो आपने देख लीजिए कि एन बी हमारा क्या है नंबर ऑफ बाई एक है, तो आपका लोअर हाफ में क्या हो एन बी प्लस, तो आपका एन एक प्लस एक करके दो हो जाएगा, दो बटे दो हो जाएगा, आपका एक बाई हमारी लोअर हाफ में रहेगी, कितनी बाई रहेगी सिंगल बाई आपकी लोअर हाफ में रहेगी। अब देखिए हम बाई कैसे देते हैं, तो उसके लिए भी आपका क्रम है सिक्वेंस ऑफ बाई, देखिए इधर देख लीजिए सिक्वेंस ऑफ बाई, बाई देने का जो क्रम है वो आपका है लोअर टू लोअर, अपर टू अपर, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि लोअर टू लोअर, तो मैंने बांट रखा था ये आपका क्या है लोअर पार्ट है और ये आपका अपर पार्ट है, तो पहली बाई कह रहा है कि लोअर टू लोअर, लोअर टू लोअर, ये आपकी क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी लोअर, लोअर पार्ट का लोवेस्ट पार्ट क्या हमारा है सेवन है, तो आपकी पहली बाई यहाँ हो जाएगी, और आपकी एक ही बाई है नंबर ऑफ टीम आपकी सेवन है तो एक ही बाई दी जाएगी, तो पहली बाई आपकी सेवन को मिल जाएगी, किसको मिल जाएगी सेवन को मिल जाएगी। अब देखिए कैसे ड्रा फ्रैक्चर मेंटेन करेंगे, देखिए फर्स्ट राउंड, देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ टीम सेवन है, नंबर ऑफ टीम सेवन है तो कितने मैच पहले राउंड में कितने मैच होंगे, तो आपकी एक बाई चलेगी तो वो तो मैच खेलेगी नहीं, तो आपकी कितनी बजी
छः बची टीमें, तो छः जब आपस में खेलेंगी तो कितने होंगे, तीन मैच होंगे। अब देख लीजिए आप, पहला इसमें जो मैच होगा आपका वन टीम और सेकंड टीम का होगा, पहली और दूसरी टीम का मैच होगा, तीसरी और चौथी का होगा, पाँचवीं और छठवीं का होगा। सीधे सीधे दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ टीम कितनी है और कितनी बाई दी जाएगी, बाई को लेस कर दीजिए, आप बची हुई टीमों को आपस में मैच करा दीजिए, उतने ही आपके मैच निकल आएंगे। ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। अब सेकंड राउंड देखिए, सेकंड राउंड में क्या होगा, देखिए आपका वन और टू का मैच हुआ था, नंबर वन और टू का मैच हुआ, सपोज डेट यहाँ पर वन आपका विनर हो गया, और थ्री और फोर का हुआ, सपोज डेट यहाँ पर फोर विनर हो गया, फाइव और सिक्स का हुआ, सपोज डेट फाइव विनर हो गया। अब आपकी विनर होके वन फोर फाइव आई हैं और आपकी अब बाई वाला भी मैच खेलेगी। क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी नंबर ऑफ टीम, आपकी नंबर ऑफ टीम आपकी सेवन है, दूसरे राउंड में कितने मैच होंगे। तो मैंने बताया था कि पहले राउंड के आप निकाल चुके हैं, तो पहले राउंड में आपके तीन मैच हुए थे, और अब आपका दूसरे राउंड में क्या होगा कि बाई भी मैच खेलेगी, तो तीन और एक चार टीम हो जाएंगी, तो जब खेलेंगी तो कितने मैच होंगे, दो मैच होंगे। आप देखिए यहाँ पर आपका सेकेंड राउंड में पहली और फोर टीम का मैच हो जाएगा, और यहाँ पर पाँचवीं और बाई का मैच हो जाएगा, तो यहाँ पहली और चौथी का मैच होगा, तो इसमें सपोज हम पहली टीम को जिता लेते हैं, यहाँ पहली जीत जाएगी, और यहाँ पर पाँचवीं और बाई का बाई मतलब सातवीं टीम का होगा, तो यहाँ पर मान लो हम सात टीम को जिता लाते हैं। अब आपका थर्ड राउंड होगा, क्या होगा, थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड में क्या होगा, पहली और सातवीं का मैच होगा, तो सपोज हम आपका फर्स्ट टीम को क्या कर लेते हैं, विनर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टीम को विनर कर लेते हैं, आपकी क्या जीत थी हमारी, आपकी पहली टीम हमारी विनर हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट टीम हमारी क्या हो गई, विनर हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपने इस तरह तो आपने बना लिया, तो आपके ड्राफ्ट फैक्चर करिए, तो आपके सात टीमें हैं, तो आपके थर्ड राउंड हुए, इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है, सीधे हमें क्वेश्चन और सीधे आंसर देना होता है, तो सीधे सीधे फार्मूला है नंबर ऑफ राउंड के लिए। नंबर ऑफ राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी टीम है कितने राउंड हो गए, इतनी टीम है कितने राउंड हो गए, तो उसके लिए फार्मूला है सीधे सीधे आपका है कि एज पावर ऑफ टू एज राउंड, एज पावर ऑफ टू एज राउंड, कि जितनी पावर ऑफ टू में हमारी टीम आ रही है, जितनी पावर ऑफ टू हमारी टीम आ रही है उतने ही राउंड होंगे। तो हमारी जो टीम थी वो किस पावर ऑफ में आ रही थी, वो आपकी पावर की थ्री, पावर की थ्री में आ रही थी, टू की पावर थ्री में आ रही थी, इसलिए तीन राउंड हो गए। देखिए क्या होता है, पाँच के बाद पाँच छः सात आठ, ठीक है, वो आपकी या पावर थ्री में आएंगी, और आपका नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह वो आपकी पावर फोर में आएंगी, फिर सत्रह से लेकर बत्तीस पावर फाइव में आएंगी। तो देखना कि एज पावर ऑफ टू एज राउंड, जितनी पावर में हमारी टीम सेट हो रही है उतने ही राउंड होंगे। सीधे आप टिक कर दीजिए कि थर्ड राउंड तीन राउंड होंगे, कितने राउंड होंगे, तीन राउंड होंगे। यदि आपका क्या है, टीमों की संख्या सेवन है, तो राउंड कितने होंगे हमारे, राउंड आपके तीन राउंड होंगे, थर्ड राउंड तीन राउंड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा है नंबर ऑफ मैच, मैचों को ज्ञात करना है, तो किस प्रकार हम मैच निकालेंगे। लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सात टीम है, तो नॉकआउट में, नॉकआउट बेसिस पे कितने मैच होंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है आपका है एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन क्या है, एन रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ टीम, एन जो है वो क्या है हमारा टीम है, टीम है, तो टीम कितनी है सात, तो सात माइनस एक बराबर छः मैच होंगे, सात में से एक गई आपका, सात में से गई क्या होगा छः, तो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे सिक्स होंगे। अब देखिए कि नंबर ऑफ मैच सिक्स हैं, तो उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, आपका पहला मैच ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा पाँचवा छठवा, तो छः मैच हुए आपके। तो ये विशेष रूप से मैं आपको जो याद रखना है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ध्यान रखिए आप। उसमें आपका है पहले तो है कि आपकी अपर हाफ में कितनी टीम होगी, लोअर हाफ में कितनी टीम होगी, ये देखिए। दूसरा फार्मूला है इतनी टीम हो कितनी बाई होगी, तो नंबर ऑफ बाई के लिए आपका नेक्स्ट पर आप टू माइनस एन, ये हो जाएगा आपका। फिर अगर बाई आपकी
कितनी आई है, नंबर ऑफ बाई कितना था, आपका सेव आपका ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है, ऑड है तो n b/2 हो जाएगा, अगर इवन नंबर में है सॉरी ऑड नंबर में है तो आपका अपर हाफ के लिए n b -1/2 हो जाएगा और लोअर हाफ के लिए n b +1/2 हो जाएगा। ये आपका किसमें है, विषम के लिए ऑड नंबर के लिए। अगर आपका इवन नंबर में है तो n b/2 हो जाएगा, n b/2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, इस बातों को विशेष गौर करिएगा। और नंबर ऑफ राउंड के लिए है एज पर अप टू एज राउंड, जितनी पावर में हमारी टीम सेट हो रही है उतने ही राउंड होंगे ठीक है। नंबर ऑफ मैच के लिए n-1, n टीम है उसमें से एक घटा देंगे तो आपका मैच निकल आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रयास किया बताने का, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।